नमस्कार दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल उपमा। तो आइए देखिए ये उपमा कैसे बनता है और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये वेजिटेबल उपमा बनाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ज़रूर दबाएँ ताकि जब भी हम कोई नई रेसिपी लेके आएँ तो आप उसे देख पाएँ। तो चलिए बनाते हैं वेजिटेबल उपमा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करके हमें बताएं। उपमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे 1.5 गिलास के करीब पानी। उसमें मैंने डाल दिया है बारीक कटा हुआ गाजर, फिर बारीक कटी हुई बीन्स डाली है मैंने। उसके बाद मैंने डाल दिया है ये मटर के दाने, ग्रीन मटर जो आजकल बड़ी आसानी से मिल जा रही है। इन सारी चीज़ों को हम 80% बॉयल करेंगे एक साइड में। दूसरे साइड में मैंने रख दिया है एक फ्राइंग पैन, उसमें मैंने डाल दिया है ऑयल और ये सरसों और जीरा का तड़का लगा दिया है ऑयल में। उसके बाद मैं डाल दूंगी करी लीव्स। मैंने ड्राई करी लीव्स डाली है, आपके पास अगर ताज़ा है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। और अब हमारा तड़का चटकने लगा है तो अब मैं डाल दूंगी इसमें बारीक कटी हुई एक प्याज, और प्याज को हम हल्का फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं प्याज का बहुत कलर चेंज होने तक फ्राई नहीं करना है, हल्का प्याज हो चुकी है। तो अब मैं डाल दूंगी इसमें एक कटोरी सूजी, और सूजी को भी मैं 2 मिनट के करीब भून लूंगी। सूजी का बिल्कुल कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस हल्का भूनना है। और गैस की फ्लेम को मैंने कम कर रखा है और हरी मिर्च भी डाल दी है मैंने। अब मैंने डाल दिया है नमक। इसके बाद मैंने ये वेजिटेबल का जो सारी वेजिटेबल को मैंने जो बॉयल कर लिया था वो डाल दिया है। ये देखिए पानी के साथ ही मैंने डाल दिया, और तब तक इसको इसमें पकाएंगे जब तक कि सूजी हमारी थिक ना हो जाए, हमारा उपमा बनके तैयार ना हो जाए। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल उपमा बनके तैयार हुआ है और साथ में ये बहुत हेल्दी भी है। ये देखिए चलाते हुए हमने पका लिया और बिल्कुल ये रेडी है। तो मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया, ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया कट करके डाला है, और अब मैं उपमा को सर्व कर लूंगी। ये नाश्ते में या शाम के चाय के साथ ले सकते हैं, आप किसी भी टाइम रात के डिनर में भी ले सकते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।